महादली टोला तूरी टोला है ये और तारापुरा नवाडी में हम लोग आए हुए हैं। हाँ। बहुत ग्रामीणों का शिकायत था कि 1995 में जो क्लस्टर भवन बना, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए ना तो 26-27 साल इस भवन का बने हुए हुआ है, बने हुए हैं। और स्थिति इतनी जर्जर है, कभी भी बड़े हादसा होने की यहाँ संभावना है। हाँ। और कई बार यहाँ पर दलित महादलित हाँ। और आदिवासी का गांव बसा हुआ है। हाँ। कोई घर में नहीं रहता सर। और यहाँ पर कई कई बार सरकार से आग्रह किया गया क्लस्टर भवन की मरम्मत करा दी जाए, और अभी रिसेंट में जो क्लस्टर भवन मरम्मत कराने के लिए या एक भवन मरम्मत कराने के लिए आया, मुख्यमंत्री योजना से जो भवन मरम्मत करने के लिए आया, सिर्फ हर पंचायत में एक व्यक्ति का भवन मरम्मत होना है। जी, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, खास करके दलित महादलित आदिवासी जहां लोग हैं, अगर उस लोगों का हम लोग ख्याल नहीं रख सकेंगे तो स्थिति बहुत जर्जर है, कभी भी इस क्षेत्र में बड़े हादसा होने की संभावना है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर निवास कर रही एक महिला से, इनका क्या नाम हुआ? रेखा देवी। रेखा देवी जी, मकान कितना दिन पहले बना है? मकान बना है करीब 2000 आगे से। आगे से बना, 2000 आगे से बना है मैंने भाई। कितना दिन हो गया लल्लू? अच्छा अच्छा, 2000 आगे से। आगे से ये स्थिति जो जर्जर है, इसके लिए आप लोग कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ वीडियो वीडियो साहब से बोले थे? हम लोग का कोई बात आज हम लोग मकान छोड़ छोड़ के आज हम लोग रोड पर रह रहे, एकदम छोटा छोटा बच्चा लोग पाल रहे, छोटा छोटा बच्चा लोग हम लोग पर्दा अड़ अड़ के सो रहे हैं। तो बताइए हम लोग का जब कोई स्थिति देखने वाला नहीं है, कोई हम लोग को देने वाला नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ की स्थिति देखते हुए साफ जाहिर होता है कि कई जगह ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ क्लस्टर भवन बना हुआ, जहाँ आवास योजना जो पूर्व में 20 साल पूर्व से लिए हुए हैं, उसे मरम्मत की विशेष व्यवस्था करनी है, और सरकार का ध्यान दलित महादलित आदिवासियों पर नहीं है। मैं सरकार से, स्थानीय प्रशासन से निवेदन करूंगा, इस तरह के भवन जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, उसका मरम्मत करा दिया जाए। धन्यवाद।